अमेरिका की लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों और नैतिक व्यवहार के स्वनियुक्त सार्वभौमिक विवेक रक्षक के रूप में कार्य करने के साथ किसी ने वाशिंगटन से कई मित्रों की अपेक्षा की होगी। हालांकि दूसरों की वास्तविक संवेदनाओं के संबंध में बिना किसी परवाह के स्वयं सेवा हितों को बेरहमी से आगे बढ़ाने की अपनी नंगे नीति के कारण वाशिंगटन में दोस्तों की तुलना में अधिक विरोध करने वाले हैं। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वाशिंगटन का एक लंबा इतिहास है जो खुद को देशों पर मजबूर करता है कथित तौर पर चीजों को सही करने के लिए। लेकिन एक बार जब इसके स्वार्थी हितों की सेवा की जाती है तो असहाय लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे पहले रखता है, ऐसा करने के लिए अमेरिका को अलग करना उचित नहीं है, और इसके चेहरे पर उनका तर्क सही है। हालांकि एक स्पष्ट अंतर है, राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए कूटनीति का उपयोग करना उचित है, लेकिन वैश्विक शक्ति और छल के माध्यम से ऐसा करना अस्वीकार्य है। जबकि इराक और लीबिया पूर्व के दो हालिया उदाहरण हैं, अफगानिस्तान में तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ अपने छद्म युद्ध से लड़ने के लिए कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों को बनाना और लैस करना उत्तराद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्षेत्र से दागी गई एक मिसाइल बुधवार को एक स्पष्ट रूप से असफल प्रक्षेपण में मध्य हवा में विस्फोट हो गई। इस अटकलों के बीच की उत्तर जल्द ही वर्षों में अपने सबसे महत्वपूर्ण उकसावे में अपनी सबसे बड़ी लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च कर सकता है। मिसाइल विस्फोट का विवरण तत्काल ज्ञात नहीं था, लेकिन इस साल अपनी तरह का 10वां प्रक्षेपण यह दर्शाता है कि उत्तर कोरिया अपने हथियारों की शस्त्रागार को आधुनिक बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है और निष्क्रिय परमाणुकरण वार्ता के बीच अपने प्रतिद्वंदियों पर रियायतें देने के लिए दबाव डालता है। दक्षिण कोरियाई सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तर कोरियाई मिसाइल लगभग 20 किलोमीटर 12.4 मील की ऊंचाई पर उड़ रही थी, क्योंकि वह इस मुद्दे पर मीडिया से बात करने के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकृत नहीं था। उन्होंने कहा कि विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने पहले एक बयान में कहा था कि प्योंगयांग क्षेत्र से सुबह करीब 9:30 बजे किया गया प्रक्षेपण स्पष्ट रूप से विफल रहा। 3 सप्ताह की लड़ाई के बाद रूस ने संकेत दिया है कि यूक्रेन के साथ। इसने कहा कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया अधिकारी प्रक्षेपण के विवरण का विश्लेषण कर रहे हैं। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत की रक्षा जरूरतें बढ़ी हैं और देश अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और विश्व की प्रमुख शक्तियां आपस में उलझी हुई हैं। हमारी रक्षा जरूरतें भी बढ़ी हैं और सशस्त्र बलों का निरंतर आधुनिकीकरण समय की जरूरत है। खुद को तैयार रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा रिकॉर्ड 45 दिनों में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE में निर्मित 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली HCS परिसर का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। सिंह ने सशस्त्र बलों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, छात्रों, किसानों और बड़े पैमाने पर लोगों की उत्कृष्टता और एक खुशहाल और समृद्ध भविष्य की तलाश में अतिरिक्त मील चलने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। तकनीकी परिसर का उल्लेख करते हुए मंत्री ने उन्होंने कहा कि यह न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में एक अनूठी परियोजना है और नए भारत की नई ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यह ऊर्जा प्रौद्योगिकी, प्रतिबद्धता, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच संस्थागत सहयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार आत्मनिर्भर भारत से ऊपर है। उन्हें विश्वास था कि यह सुविधा एक लंबा सफर तय करेगी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में। यह देखते हुए कि परिसर लड़ाकू विमानों के पायलटों को सिमुलेटर प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, ईरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत में उसके राजदूत को शुक्रवार को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, क्योंकि OPEC सदस्य के खिलाफ प्रतिबंध हटाने पर विश्व शक्तियों और तेहरान के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने इसे इसके सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में वर्णित किया।